लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ऐरोली में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने अपने ही बेटों को गोली से भून दिया। घटना शाम की है जब रिटायर्ड पुलिस अफसर भगवान पाटिल ने घरेलू रंजिश के चलते अपने बेटे विजय और सुजय को गोली मार दी। सन की पिता ने विजय को 3 गोलियां दागी जबकि सुजय को 1 गोली पेट से छूते हुए निकल गई और बाल बाल बच गया। फिलहाल विजय को कंधे और पेट में गोली लगी है जिसे गंभीर हालत में ऐरोली के इंद्रावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि भगवान पाटिल एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है। बेटों को गोली मारने के दौरान उसने पत्नी से भी मारपीट की। फिलहाल रबाले पुलिस ने बेटों पर जानलेवा हमला करने वाले सन की बाप भगवान पाटिल को रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में DCP शिवराज पाटिल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सेक्टर 2 है ऐरोली में, वहाँ पे लगभग 6:30 बजे गोलीबारी की वारदात हुई है। इसमें एक्चुअली जो पिता है उन्होंने उनके दो जो पुत्र है उनके ऊपर फायरिंग की है और उसमें उनका जो कुछ इर्टिका का सर्विसिंग था और उसके ऊपर से उसका बिलिंग के वजह से कुछ इश्यू था और उसमें पिता और उसमें कुछ फ़ोन के ऊपर पहले बातचीत हुई थी और गाली गलौच हुई थी। उसके हिसाब से 6:30 बजे ये दोनों भाई उनके घर के सामने आ गए। वो भाई उनके साथ नहीं रहते, एक वसई में रहता है और एक सेक्टर 20 ऐरोली में रहता है और वो सामने आए। उनकी माताजी के साथ कुछ बातचीत चल रही थी तभी आरोपी घर में जो रिवॉल्वर थी वो लेके बाहर आए और उन्होंने ये विजय के तरफ गोली दागी और बाद में सुजय को भी वो थोड़ा सा लग के गोली गई और विजय को 2 गोलियां लगी है। तो अभी विजय के ऊपर ट्रीटमेंट चल रही है और आरोप पुलिस भी अभी उसके ऊपर जो गुनाह दाखिल करने की प्रोसेस चालू है और आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है और अभी जो पिस्टल है वो भी बरामद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। We'll be right back.